हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनवीन मेकोवर्स सो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मेकअप वीडियो ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय से डालने वाली थी लेकिन डाल नहीं पाई और आज मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ क्योंकि ये वाला मेकअप वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है Instagram और इसका जब मेरे ट्यूटोियल डाला तो बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद आई और नापसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं लेकिन आप हर सब लोग आपको अच्छे नज़रिए से देखें ऐसा हो नहीं सकता है राइट सो so, मैंने ये वीडियो डाल ही दी है फाइनली एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे सो so, गाइज़ आज ना मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही थी और मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको भी ऐसे अजीबो गरीब क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं और बाद में इनको फील भी नहीं होता है कि इन्होंने क्या किया है so, सो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किस्सा हुआ था uh, वो किस्सा बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वीडियो आप पूरी देखिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए बाकी कोई भी क्वेरी होगी आपकी टेक्निक से रिलेटेड या कुछ भी होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी क्या है ना मैं अगर आपको क्वेश्चंस बताने सॉरी प्रोडक्ट बताने लग जाऊँ टेक्निक बताने लग जाऊँ तो मैं अपनी जर्नी नहीं आपसे शेयर कर पाऊँगी और मुझे जर्नी शेयर करना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्योंकि क्या है कि अभी हम एक ग्रोइंग स्टेज में हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कि ये मुझे ही ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सो so, मेरी एक ब्राइड थी जो मुझे बुक करना चाह रही थी और वो भी बहुत अच्छी सी लोकेशन के लिए फ़ॉर अंडोमान एंड निकोबर आइलैंड पोर्ट ब्लेयर सो अब भाई इनकी जो डेट्स थी वो थी फेबररी की बड़ी हैवी डेट्स सो इन्होंने मुझे पिछले महीने या शायद एक दो महीने पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया एंड शी वॉज़ फ्राम जयपुर सो so भाई येली जो ब्राइड थी ना ये इन्होंने मुझसे बात की और इन्होंने मुझे बोला कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं आपको बुक करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगा अब मैंने अपनी प्राइस लिस्ट इन्हें भेज दी भाई अब इतना दूर जा रहे हैं तो पैसे तो लेंगे ही अच्छे खासे वरना नुकसान करा के इतना दूर जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है है ना स्टूडियो में भी तो हम प्राइस करते ही हैं सो so मैंने इन अपने प्राइस बताया एंड शी वॉज एब्सोलेटली ओके विद डैट तो हमने जो भी हमारा प्राइज़ आया था ट्रांसपोर्टेशन ये वो सारी हमारा डिस्कशन होने के बाद सारा डिस्कशन हुआ हमारा एक एक हफ़्ते तक तो हमने बात की है इस बारे में सो पहले तो मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊँगी तो मैंने सोचा कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं फिर बाद में जब मैंने भी हाँ की तो शी वॉज़ राइट ओके चलो अगर आप हाँ बोल ही रहे हो तो बहुत अच्छा हो गया है तो मैं आपको बुक करती हूँ Uh, तो इन्होंने मुझसे सारी बातें की सारे क्वेश्चन जो भी थे इनके मुझसे बात किए और मेरे मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे अंडर कोई मैनेजर नहीं है क्लाइंट्स के साथ जो भी बातें होती हैं वो सब मैं ही करती हूँ सारे फ़ोन कॉल्स मैं ही उठाती हूँ ब्राइड्स के सो so, ब्राइड्स कभी कभी हमारा काफ़ी टाइम ले लेती हैं एक एक दो दो घंटा भी ले लेती हैं बिकॉज इनकी काफ़ी क्वेरीज़ होती हैं तो चलिए कोई नहीं वो तो प्रोफेशन है वो काम है हमारा वो तो हमें करना ही पड़ेगा राइट मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप ये वो वो अलग बात है कि सब ऐसा नहीं करते हैं सब कहते हैं कि हमारे पास मुश्किल से दस पंद्रह मिनट है बाकी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर लो बट कॉल पर कोई ऐसा टाइम अगर कोई ज़्यादा करे ना तो कोई ऐसे पसंद नहीं करता है स्पेशली जब वो बुकिंग ना हो बाद में तो so, इन्होंने मुझसे बात की एक हफ्ते तक और इन्होंने मुझसे अपनी क्वेरीज़ भी डिस्कस की जो भी इनको क्वेरीज थी सो so, ये चाहती थी कि मैं अपने शादी वाले दिन ओपन एयरू करूँ और एक इनका एंगेजमेंट का था और हल्दी का भी था तो भाई अब एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने उन्हें वही बताया कि आपके सारे फंक्शन में तो आप ओपन करने वाले हो तो शादी वाले दिन भी आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो देखो ओपन करोगे ना तो सब सेम सेम हो जाएगा प्लस अंडमान निकोबार में उस टाइम गर्मी होगी फेबररी के महीने में जब यहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे गर्मी होती है जो उन्होंने ही मुझे बताया था तो अब गर्मी में ओपन हेयर डू करके इतनी हैवी ज्वेलरी इतना हैवी लहंगा पहनने का कोई मतलब नहीं है माना वो तालेब ने ट्रेंड चला लिया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइड्स को अपना बन और ब्रेड में जाना चाहिए फॉर देयर डी डे दे। एंड बाकी के जो ओपन हेयर डू है वो सारे फंक्शंस में करें लेकिन मेन डे में दे शुड ऑलवेज ट्राई दें वो बहुत एलिगेंट लुक आता है क्योंकि ज्वेलरी ना बहुत अच्छे से दिखती है और जो मेकअप होता है वो भी उठ के आता है ऑन ब्राइडल डे सो so, भाई मैंने तो अपना रिकमेंड किया ब्राइड वो ले ना ले वो उनकी मर्जी है ब्राइड को था कि चलिए ठीक है जैसा आप कह रहे हैं सो uh, so, हमारी सारी बातें हुई और शीव लाइक कि ठीक है आप मुझे बस डिटेल्स भेज दीजिए बैंक डिटेल्स मैं आपको तुरंत मेकअप सॉरी तु, तुरंत आपको फिफ्टी परसेंट एडवांस पेमेंट कर देती हूँ और बुकिंग कंफर्म कर देती हूँ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी फ़ीवर था मुझे एक दिन लेकिन तब भी मैंने इनसे पूरा दिन बात की अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारे होते हैं यू नो अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन तो होंगे ही क्योंकि ब्राइड्स ही फ्लाइट कराती हैं स्टेड अकोमोडेशन वही प्रोवाइड करते हैं जब हम इतना दूर जाते हैं तो सब कुछ मैंने उनको भेजा शी वॉज लाइक ओके मुझे सब कुछ मैं अग्री कर रही हूँ सो so, uh, भाई मैंने अब डिटेल्स भेज दी और पेमेंट डिटेल्स भेजने के बाद अब इन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा कि मनवीन अगर मुझे अपना हेडू अच्छा ना लगे मेकअप और हेडू होने के बाद तो क्या मैं चेंज करा सकती हूँ तो इन क्वेश्चन का मैंने सिंपल सा आंसर दिया है कि देखिए uh, मेकअप होने के बाद अगर आप हेडो बोलें कि मुझे बिल्कुल चेंज कराना है अब बंद कराने के बाद आप बोले मुझे ओपन कराना है तो देखिए वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता राइट क्योंकि फिर आपके बालों में वैक्स लग गया है मूवस लग गया है स्प्रे लग गया है तो आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं तो ओपन हेडू में जो बाउंस चाहिए होता है ना वो बाउंस नहीं आ पाएगा देखिए मैं सिंपल सी लॉजिकल बात कर रही हूँ एंड आई थिंक जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस बात को अग्री करेंगे हेयर वॉश करा लें तो अलग बात है लेकिन मेकअप होने के बाद हेयर वॉश तो पॉसिबल नहीं है ना गाइज़ प्लस उस दिन उनके पार्टी मेकअप भी थे और मैंने ही करना होता है पार्टी मेकअप सारा मेरे कोई अंडर टीम नहीं है तो हमें एक टाइम रिस्ट्रिक्शन भी रहती है हमें उस टाइम के अंदर ही मेकअप करना है ब्राइड का भी पार्टी मेकअप भी करना है तो अब हम लोग लो, मेकअप होने के बाद फिर से मेकअप तो नहीं करेंगे ना गैस वो तो हमारी मेहनत और हमारे प्रोडक्ट्स भी लग रहे हैं सो so, मैंने उनको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ऑन द स्पॉट भी देखो हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे प्लस एक बार बुकिंग हो जाए तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में जब आप मुझे अपना आउटफिट ज्वेलरी भेजेंगे तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आपके ऊपर क्या सूट करता है लेकिन uh, और इन बिटवीन वैसे भी चीज़ें क्या होता है कि इन बिटवीन अ ब्राइड्स को समझ आने लग जाता है कि उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लेकिन एक बार वो हो जाए उसके बाद उसे चेंज करना मुश्किल है और मैंने ब्राइड को इतना अच्छा ऑडियो मैसेज भेजा इतना प्यार से समझाया कि देखिए लॉजिकली क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ इ है इन दोनों में फ़र्क है क्या चीज़ को हम क्या मैनेज कर सकते क्या नहीं ऐसा भी नहीं है कि मैंने उन्हें कोई झूठी होप दी मैंने उन्हें वही बताया जो कि मैं हैंडल कर सकती हूँ और जो कि मेरे कंट्रोल में है बट ब्राइड को जब मैंने कन्फर्मेशन मैसेज मतलब बोला उनको कि मैं आपको बैंक डिटेल्स फॉरवर्ड कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया भाई अब उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैंने एक दो दिन सोचा कि मैं वेट कर लेती हूँ और एक दो दिन के बाद एक दो क्लाइंट्स ने मुझे क्वेरी पूछी सेम उन्हीं डेट्स के लिए तो आई रिप्लाइड ढर्स और यई मैसेज ढर कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या है आपका डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म योर बुकिंग और नॉट बट रिप्लाई ही नहीं किया एक दो दिन तक मैंने उन्हें वापस पूछा कि आप मुझे प्लीज़ कन्फर्मेशन बताइए क्योंकि आपकी डेट मैंने होल्ड में रखी हुई है अगर आप बुकिंग कराओगे तो अच्छी बात है नहीं कराओगे तो मैं या दूसरी बुकिंग लूँ है ना मैं क्यों पड़ी हुई हूँ आपके पीछे फिर अब भाई ब्राइड ने ना पेमेंट की ना बुकिंग कराई मुझे बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट कि आपने इतना टाइम हमारा ज़ाया किया इतनी बात की मुझसे और अब आप मुझे आंसर भी नहीं दे रहे हो कि मैं बुकिंग क्यों नहीं करा रही हूँ और लिटरली शी डेंट इवन बुक मी एंड आई वॉज़ कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार पता हो ऐसे भी लोग हैं तो उस दुनिया में बाद में मुझे ऐसे ही फील हुआ कि शी वॉज़ अ मेकअप आर्टिस्ट तो बेसिकली उनके पास भी कोई ना कोई क्लाइंट आया होगा और उनकी भी कोई ना कोई ब्राइड होगी शायद तो वो मे बी मुझसे टेक्टिक्स और वो जानना चाह रही थी कि मैं कैसे डील करती हूँ इसीलिए वो मेरा वक्त ज़ाया कर रही थी बाकी देखते हैं कि आ, क्या पता वो सही है गलत है मुझे नहीं पता कि वो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी बस मैं इतना जानती हूँ कि शी वॉज रॉन्ग एब्सलिटली रॉन्ग बिकॉज शी वेस्टेड माई टाइम शी डेंट वॉन्ट टू बुक मी तो वो मुझे बोलती शी डेंट इवन आंसर माई क्वेश्चन तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या है कि आपके साथ लोग ऐसा टाइम वेस्ट कर लेते हैं आपको और फिर बाद में बुकिंग नहीं कराते अगर ऐसा हुआ है तो आप कैसे डील करते हैं इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताएं और इस पॉइंट को मैं आज रखना चाह रही थी आपके सामने क्योंकि ना मुझे था कि मैं बात करूँ इस बारे में आप लोगों से सो बाकी मेकअप तो आप देख ही रहे हैं आज वाली ब्राइट का मेरा सो जो भी आपको क्वेश्चन पूछने होंगे ना मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी मेरा जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी सिमिलर ही होते हैं हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स चेंज होंगे लेकिन टेक्निक सेम रहती हैं अच्छा हाँ गाइज़ आपको लगेगा मैंने ब्लश बहुत लगा दिए पहले मुझे भी लग रहा था लेकिन क्या होता है ना ब्लश जो होता है ना वो बाद में लाइट होने लग जाता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है कि लाइट ज़्यादा डार्क हो गए बाद में वो लाइट हो जाता है ठीक है तो सो डोंट वरी हाँ थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा हो गया था मैं मानती हूँ लेकिन इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर जब उनका पूरा मेकअप हो गया था और वैसे भी जो ब्लश होता है ना वो सबसे पहले लाइट होता है सबसे पहले फेड अवे होता है और क्योंकि गर्मी का टाइम था अप्रैल का महीना था मॉर्निंग uh, वेडिंग थी तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं ब्लश लाइट हो जाता है सो डोंट वरी सो लिप पेंसिल मैं लगा रही हूँ अपनी कलर बार की एंड लिप शेड मैंने एक दो शेड मिक्स करके लगाया मुझे याद नहीं है रूब ऑनर्स क्योंकि अप्रैल की ब्राइट थी सेवन अप्रैल को मैंने इनका ये फंक्शन का मेकअप किया था एंड शी वॉज लुकिंग एब्सोटली लाइक अ प्रिंस बिकॉज ये इतनी खूबसूरत थी और इनके ऊपर मेकअप बहुत जहा था लैशेज़ भी मैंने इनके ऊपर थोड़े heavy यूज़ किए थे क्योंकि इनकी आंखों में काफ़ी स्पेस थी और आप देख सकते हैं कि इनके खुद के जो रियल लैशेज़ हैं वो कितने खूबसूरत हैं इनके लोअर लैशेज़ इतने सुंदर हैं कि मस्कारा लगाने के बाद तो इनकी आंखें और बड़ी बड़ी लगने लग गई सो आई मेकअप होने के बाद मैंने इनकी आइज़ में ग्लिटर भी लगाया है बिकॉज uh, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इनके आईज़ में और हम कुछ कर सकते हैं इनहस करने के लिए सो आई यूज़ लिट कॉस्मेटिक का ग्लिटर मैंने दो तीन थी, से तीन शेड मिक्स किए थे इस शेड को अचीव करने के लिए आई थिंक शाम्पिन विश एंड हेवी मेटल था सो so, दोनों को मैंने मिक्स करके ये शेड बनाया था सो so, ये रहा हमारा आज का लुक गायज मुझे अब ये बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा बिकॉज आई एम टोटली इन लव विद दिस लुक सो जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको लुक लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय गाइज